Hey everyone, welcome to Shwam's IAS. I am Shivangi Sharma. Here we are, sixth chapter of our class 12th history or second chapter of the second book. Okay? So, the name of the chapter is Bhakti Sufi Traditions. So, dekho, the chapter is very easy. Okay? Bahut hi zyada easy chapter hai. क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो इन चीज़ों से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, हम लोगों को पता है कि कैसे भक्ति होती है और क्या क्या चीज़ें होती है. ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, मतलब हिस्ट्री को लेकर, कि हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें कैसे होती थी. तो ऑफकोर्स दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिलीजियस बिलीव्स में क्या क्या चेंजेस आए और जो डिवोशनल टेक्स्ट है उनमें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, सो ये जो टाइमलाइन होने वाला है, ये जो समय है, दिस इज 8th century to 18th century. 8th century यानी कि 701 से लेके 800 तक, उसके बाद तो 9th सेंचुरी शुरू हो जाती है और 18th सेंचुरी में भी 1701 से लेके 1800. तो ये लगभग 1000 सालों का जो है हम टाइम स्पैन पढ़ने वाले हैं. सो दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लाइक इम्पॉर्टेंट एज वेल एंड इंटरेस्टिंग एज वेल एंड लाइक ओके. सो लेट्स मूव टू द चैप्टर एज वेल. सो देखो, हमने चैप्टर 4 में क्या क्या देखा, हमने एक मतलब इस मिलेनियम का हमने मिड फर्स्ट देखा. ठीक है, कि कैसे कैसे लोग रहते हैं उस टाइम पे. ठीक है, सो हमें इतना तो पता है कि काफ़ी सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है. हमने कुछ एक चीज़ें पढ़ी, जैसे कि हमने स्तूपास पढ़े, कि हाँ स्तूपास होते हैं, स्तूपास भी एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है. उसके बाद हमने मोनेस्ट्रीज पढ़ी, कि मोनेस्ट्रीज में जो है वो लोग रहा करते थे. ठीक है, मोंक्स. और उसके बाद हमने टेम्पल्स के बारे में पढ़ा था, राइट. सो अब जो भी लोग हैं, राइट, इस रिलीजियस, इस पर्टिकुलर सर्टेन रिलीजियस को लोग जब रिलीजन को फॉलो करते हैं, तब उनके अपने बिलीव्स भी बन जाते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस भी बन जाती है. उनकी अपनी मान्यताएं होती है और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर रिलीजन, राइट. सो और काफ़ी जो है वो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट होते हैं. जैसे पुराणास, पुराण है ना हमारे हिंदुइज्म में पुराण है. ठीक है, आप विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, गरुण पुराण है, ऐसे बहुत सारे पुराण है, राइट. उसके बाद देखो, जो पुराण है ना वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे गए थे कि कोई भी नॉर्मल पीपल भी इनको पढ़ सके. ठीक है, तो उस टाइम पर ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे. ठीक है, उसके बाद कैसे पोइंट और सेट्स आए. ठीक है, पोइट्स आए, सेंट्स आए, उन्होंने भी अपनी चीज़ों को इस तरह से एक्सप्रेस करा, ओरली भी करा, काफ़ी उन्हें रिटन भी करा, और ताकि ऑर्डिनरी लोगों को वो समझ आ सके. ठीक है, रैशनल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में ये चीज़ होती थी. ठीक है, उसके बाद जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने काफ़ी ऐसे सेंट्स की हैग्योग्राफी पढ़ी और बायोग्राफी पढ़ी. ठीक है, जो कि हो सकता है कि एक्यूरेट ना हो. ठीक है, सो अब इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर. ठीक है, तो अब आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक. और ठीक है, द नेम ऑफ द फर्स्ट टॉपिक इज अ मोसाइक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. सो मोसाइक क्या होता है? मोसाइक इज काइंड ऑफ कलाज, जैसे हम फोटोज़ का कलाज बनाते हैं, राइट, जिसमें बहुत सारी फोटोज़ को इकट्ठा करके रखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मोसाइक. ठीक है, सो यहाँ पर हम ये वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे अब लोगों को पता चल गया था कि कितनी वाइड रेंज है गॉड्स और गॉडेसेस की, है ना. टेक्स्ट में भी हम देखें या स्कल्चर्स भी देखें तो बहुत वाइड रेंज है, मतलब बहुत सारे देवते और बहुत सारी जो है हम बोल सकते हैं गॉडेसेस है. ठीक है, हमारे हिंदुइज्म में जिनका स्कल्पचर भी बनने शुरू हो गए थे. ठीक है, सो इसकी वजह से अब कुछ जो है मतलब मेजर डिटीज बन गए थे जिनको लोग ज़्यादा मानते थे, जैसे कि विष्णु, शिवा और कुछ गॉडेसेस. ठीक है, और हर एक के आगे जो है वैरायटी ऑफ फॉर्म्स भी है, जैसे हम बोलते हैं कि विष्णु जी ने पुनर्जन्म लिया था, ऐसे सब विष्णु जी के, सारे विष्णु जी के अवतार है वैसे ही. ठीक है, सो द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स. सो अब ये सारे कल्ट्स इंटीग्रेट कैसे हुए, ये सारे जुड़े कैसे. ठीक है, देखो हिस्टोरियंस ने जब ये सारी चीज़ स्टडी करने की कोशिश करी, ठीक है, तो अब उन्होंने इस वर्क के लिए मतलब दो प्रोसेसेस उन्होंने बताए. पहला वो कि ये जो भी ब्राह्मणिकल आइडिया है इनको डिसमेंट किया जाए. ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि जो भी पुरानिक टेक्स्ट है, जैसे कि संस्कृत वर्ड्स, इन सभी को मिलके, मतलब ये जो संस्कृत वर्ड्स है ना, ये वुमेन्स और शूद्रास दोनों पढ़ सकते थे. ठीक है, सो उनको कंपाइल करना, सारे पुराण को कंपाइल करके, ताकि वो सारे उसको पढ़ सके. ठीक है, मतलब
वैदिक लर्निंग बेसिकली लोग जो है वो, मतलब इसमें वैदिक लर्निंग एक्सक्लूडेड थी बिकॉज वैदिक लर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स संस्कृत में हुआ करती थी और पुराण जो है वो काफ़ी ईजी लैंग्वेज में होते थे कि नॉर्मल पीपल भी उनको पढ़ सके, ठीक है। सो जो ब्राह्मण्स थे वो इन सारे प्रैक्टिसेस को, इन सारे बिलीव्स को एक्सेप्ट करते थे और उनके ऊपर मतलब रीवर्क करते थे, फिर से उनको काम उनके ऊपर काम करते रहते थे, ठीक है। जो सोशलिस्ट थे उन्होंने ना पहले ये जो पुराने ट्रेडिशंस थे ना इनको डिवाइड कर दिया ग्रेट और लिटिल में, ठीक है, कि लैंड के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे कौन चीज़ कि कहाँ पे कौन सा ट्रेडिशन ज़्यादा फॉलो किया जाता है उसके अकॉर्डिंग किसी एक संस्कृत जो ट्रेडिशन है उसको ग्रेट बोल दिया और एक को लिटिल बोल दिया। बट बाद में टाइम आते आते लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ हो गए बिकॉज लोगों का ये मानना था कि ट्रेडिशन तो ट्रेडिशन है, ठीक है, उसको ग्रेट या लिटिल बोलना सही नहीं है, ठीक है। सो ऐसे ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है जो कि उड़ीसा के पुरी में है, ठीक है, जहाँ पे एक लोकल देवता है, हम बोलते हैं मतलब जैसे होता है ना रीजनल देवते हैं, भगवान जी है जिनका जिनका नाम है जगन्नाथ, ठीक है। 12th century में ये आइडेंटिफाई कर दिए गए थे एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, ठीक है, जगन्नाथ के बारे में हम लोगों ने सुना है, ठीक है। सो बाद में 12th century आते आते उनको विष्णु का एक मतलब विष्णु का फॉर्म उन्होंने उनको बता दिया गया कि जो जगन्नाथ है वो जी मतलब विष्णु जी के ही एक रूप है, ठीक है। सो यहाँ पे जगन्नाथ एक्सट्रीमली राइट, यहाँ पर है हमारे पास जगन्नाथ, ठीक है, और इधर है हमारे पास उनके सिस्टर सुभद्रा और उनके ब्रदर बलराम, ठीक है। सो हम लोगों को पता ही है जगन्नाथ जी अगर हम विष्णु जी के कंस्ट्रक्ट में लेंगे तो ये कौन है, ये कृष्णा है, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम, ठीक है। सो देखो, बट जो हमें फोटोज़ मिली थी मतलब विष्णु जी की वो तो बिल्कुल ही अलग तरीके से थी, राइट, हमने तो उनके हमने उनके मतलब ऐसा नहीं उनको देखा था, ये तो वुड की जो है हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइबल सोशलिस्ट ने बनाई है, बट जो हमने विष्णु जी की फ़ोटो देखी थी वो बिल्कुल ही ज़्यादा अलग थी, ठीक है, जो कि मतलब कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमें देखने को मिले, ठीक है। सो ऐसे इंस्टेंसेस में इन सारे इंटीग्रेशन को जोड़ा गया, जो गॉडेसेस हैं, ठीक है, जो गॉडेस हैं वो भी मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग गॉडेस थी, फिर वो अब गॉडेस को वर्शिप करते थे, ठीक है, सिंपली एक मतलब एक स्टोन था जिसमें वो सारे मतलब उनको हम बोलते मतलब एक स्टोन में जिसमें गॉडेस जी बनाई गई थी, ठीक है, वो भी वाइड स्प्रेड हो गया उस टाइम पे। जो लोकल डिटीज थी उनको पुराने फ्रेमवर्क से जोड़ने की कोशिश की गई, ठीक है, फिर उस टाइम पे काफ़ी फिर उस टाइम पे गॉडेसेस आई, कौन गॉडेसेस, जो कि मेल डिटीज की वाइफ थी, जैसे उस टाइम पे लक्ष्मी माता को बताया गया कि लक्ष्मी माता विष्णु जी की वाइफ है और पार्वती माता शिव जी की वाइफ है, ठीक है, ये चीज़ें सारी बाहर आने लग गई थी। अब डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, सो देखो, गॉडेस की पूजा करना, किसी भी देवी की किसी भी माता की पूजा करना को बहुत ही ज़्यादा ट्रेंटिक बोला जाता था, ठीक है। सो मतलब जैसे उन्होंने बोला कि जब भी हम गॉडेस को किसी भी गॉडेस को पूजते हैं तो वो तांत्रिक होता है, ठीक है, आज के टाइम का तांत्रिक नहीं, जो तांत्रिक हम लोग समझते हैं वो तांत्रिक नहीं, मतलब ये अलग तरीके का था, मतलब तांत्रिक प्रैक्टिसेस क्या होती थी जहाँ पे मतलब सारे वुमेन्स और मेन्स सारे जो है वो पूजा कर सकते थे, कोई कास्ट कोई क्लास कुछ नहीं देखा जाता है, ठीक है, जब भी हम तांत्रिक पूजा करते हैं उस टाइम का जो तांत्रिक है अभी वाला नहीं, ठीक है। सो तांत्रिक पूजा क्या होती है, जिसमें किसमें गॉडेस की पूजा की जाती है उसमें वुमेन्स भी होती है और हर कास्ट और हर क्लास के लोग जो आके मिलकर पूजा करते हैं, वो तांत्रिक उसको उस टाइम पर बोला जाता था, ठीक है। इसी सेम आइडिया से शैविज्म और बुद्धिज्म भी फैलने लग गया था, स्पेशली ईस्टर्न नॉर्दर्न और सबकॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट पे, ठीक है। सो अब लोगों के डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स और प्रैक्टिसेस भी थे, ठीक है, जिनको हिंदू में ऐसे क्लासिफाई कर दिया गया कि जो ठीक है मतलब ये जो प्रैक्टिसेस है और ये जो बिलीव्स है ये हिंदू के होंगे, ठीक है। सो ऐसे मिलेनियन में ऐसे इनको बोल दिया गया था, ठीक है। सो देखो, काफ़ी सारे ऐसे वैदिक और पुराने ट्रेडिशंस थे जो कि अभी भी हम लोग मतलब जो कि अब काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गए थे, उसमें से कुछ ऐसी डिटीज थी जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, जैसे अग्नि इंद्रा और सोमा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मार्जिनल फिगर्स थे, ठीक है, और ये टेक्सचुअल और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस दोनों में ईजिली विजिबल थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयरली विजिबल थे, आई एम सो सॉरी, ठीक है। सो जब विष्णु शिवा और जो वैदिक मंत्रास की जो भी गॉडेसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा
कॉमन हो गए थे, बट ये जो लोग थे मतलब पुरानी माइथोलॉजी में, ठीक है, विष्णु शिवा और गॉडेसेस, बट अग्नि इंद्र और सोम ये बहुत ही ज़्यादा रेयरली देखने को मिलते थे, ठीक है। सो ये चीज़ बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं थी कि अब कन्फ्लिक्ट्स भी हो रही थी, बिकॉज जो लोग वैदिक ट्रेडिशन में ज़्यादा वैल्यू करते थे वो उन लोगों को कैसा लगता था कि वेदों को नहीं आगे दिखाया जा रहा है, ठीक है, बट वेदों को नहीं दिखाया जाता बिकॉज दे वर मोर कॉम्प्लेक्स और जो नॉर्मल पीपल है वो उसको नहीं पढ़ पाते, ठीक है, इसलिए वेदास को बाहर दिखाया जा रहा था। बट ऑफकोर्स जो है वो कन्फ्लिक्ट वगैरह शुरू हो गए और ये जो लोग थे जो कि वैदिक ट्रेडिशन को ज़्यादा वैल्यू दिया करते थे, ठीक है, इनका ये मानना था कि जो सेक्रीफाइजिस हैं, ठीक है, और जो प्राइजली चेंटेड मंत्रास है ये मतलब इन सबको बिल्कुल ही रेगुलेशन में होना चाहिए, इतना कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदर हैंड जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी वो वेदा की अथॉरिटी को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया करती थी, ठीक है। सो यहाँ पे जो डिवोटीज थे वो अपने अपने डिटी को, जो भी उनकी डिटी हुआ करते थे, जिनको भी वो मानते थे, चाहे वो विष्णु हो शिवा हो, ठीक है, उनको सुप्रीम मान दिया मान मतलब उनको सुप्रीम माना करते थे कि जिनको भी वो पूछते हैं वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, ठीक है। अगर हम और रिलेशन देखें जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के साथ, तब भी हमें जो है मतलब ऐसा एक ओपन मतलब एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुई, इसका टेंशन भी नहीं था, ठीक है। सो जो ट्रेडिशन था डिवोशन और भक्ति का वो ना मतलब एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही लोकेटेड था, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, ठीक है। जो डिवोशनल वर्शिप थी उसकी एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री थी, 1000 साल पहले से ही, ठीक है। इस टाइम पे लोग डिफरेंट डिफरेंट डिटीज़ को फॉलो करते थे और उन्होंने ना अपना एक रूटीन बना दिया था कि हाँ सुबह उठेंगे आरती गाएंगे भजन गाएंगे, ठीक है, फिर शाम को भी सेम चीज़ करेंगे, आरती गाएंगे जोत वगैरह जलाएंगे, ठीक है। सो एक फिक्स उन्होंने रूटीन बना दिया था उस टाइम पे, ठीक है, जो भी अब ऐसे वर्शिप का जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था, ठीक है। सो और अब जो उनके मंत्र थे और उनके जो भी भजन थे वो लोग गाते गाते जो डिवो मतलब जो भी भक्त लोग थे वो भी एक मतलब उन्होंने एक नया पार्ट बना दिया था वर्शिप का, जहाँ पर वो ऐसे मतलब सिंगिंग और चैंटिंग करते ही रहते थे, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा जो पर्टिकुलरली फॉलो किया जाता था वो वैष्णव और शैवा सेक्ट्स में किया जाता था, ठीक है। पोइम्स ऑफ प्रेयर अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, देखो वर्शिप में भी एवोल्यूशन आया, ठीक है, काफ़ी जगह पर जो पॉइंट्स थे पॉइंट और जो सेट्स थे वो लीडर बन गए, ठीक है, और उन्होंने नई कम्युनिटी बना दी डिवोटीज़ की, ठीक है, जो भी भक्त लोग थे उनकी नई कम्युनिटी उन्होंने बना दी। फर्दर ये जो ब्राह्मण्स थे ये इनको ना बहुत इनको इंटरमीडिएट बना दिया गया गॉड्स और डिवोटीज़ के बीच में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ भक्ति। जो भी ब्राह्मण थे ऐसा माना गया, जो भी पुजारी है वो गॉड और जो डिवोटीज है उनके बीच का एक इंटरमीडियरी है, ठीक है। सो अब ये जो ट्रेडिशंस है यहाँ पे वुमेन्स और जो लोअर कास्ट है इनको भी एक्नॉलेज किया गया था, ठीक है। सो इनको भी देखो जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क है ऑर्थोडॉक्स के अंदर उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब इनएलिजिबल बोला जाता था, ठीक है। सो उनको मतलब कंसिडर किया जाता था कि ये इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सो बाद में बट भक्ति का जो ट्रेडिशन है ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी से मार्क्ड किया गया था, ठीक है। सो देखो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में हिस्टोरियंस जो भी मतलब ये रिलीजन के हिस्टोरियंस थे उन्होंने देखा कि भक्ति ट्रेडिशन को दो ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक है सगुना और एक है निर्गुना। सो सगुना में क्या हुआ करता था कि सगुना में ना हमारे पास एक एट्रीब्यूट हुआ करता था, एक पिक्चर हुआ करती थी, ठीक है, माइंड में कि जब हम भक्ति कर रहे तो हमारे पास माइंड में एक पिक्चर है कि हाँ हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, हम कृष्णा जी की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में भक्ति के टाइम पे कृष्णा जी की इमेज सामने है। बट निर्गुना में जो निर्गुना थी वो बोलते थे कि उसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, जो निर्गुण भक्ति है वहाँ पर एक एक्सट्रीम पावर है, एक एक्सट्रीम वाइब्रेशन है, एक फील है, एक एनर्जी है जिसको हम वर्शिप करते हैं, ठीक है। सो काफ़ी और अब शिवा विष्णु और उनके अवतार को भी पूजा करने लग गए थे, अवतार मतलब उनके इनकार्नेशंस, ठीक है। सो उनको भी पूजा करना शुरू कर दिया गया था। फिर जो गॉडेसेस हैं और देवीज हैं उनकी पूजा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। और ये सब कुछ किस में आएगा, ये सब कुछ आएगा सगुना में। फिर जो निर्गुना भक्ति है वो भी उस टाइम पे गॉड की जो बिल्कुल ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है उसमें वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की पूजा की जाते थे, ठीक है। द अलवर्स एंड नयानार्स ऑफ तमिलनाडु, देखो इनके बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं पहले भी ओल्ड क्लासेस में। देखो जो सबसे ज़्यादा
पुराने जो भक्ति मूवमेंट्स थे 6th सेंचुरी में वो अलवर्स ने शुरू किए थे। सो अलवर्स कौन थे? अलवर्स वो लोग हुआ करते थे जो विष्णु जी की बहुत ही मतलब जो विष्णु जी की भक्ति में खोए रहते थे, ठीक है, जो कि विष्णु जी की भक्ति में मतलब बहुत ही बोलते ना मगन हो गए थे, ठीक है। और फिर आते हैं नायनर्स। सो नायनर्स वो लीडर्स थे जो कि मतलब जो भी शिवा को डिवोट करते थे, जो शिव जी की भक्त थे, उनके लीडर्स को नायनर्स बोला जाता था, ठीक है। सो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने भजन अपने मंत्र गाते गाते तमिल में, और अपने भगवान जी की अपने जिनको भी वो मानते थे विष्णु या शिव जी को, उनकी प्रेस करते हुए वो लोग चलते थे, ठीक है। उनके ट्रेवल जब वो ट्रैवल कर रहे होते थे तो जो अलवर्स और नायनर्स थे वो सर्टेन श्राइन्स चूज़ करते थे, ठीक है। फिर वहाँ पर मतलब जो भी उनके चूजन डिटी है वहाँ पे वो रुक कर वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। बाद में जो है वो सेक्रेट प्लेसेस बन गई, ठीक है। बाद में कुछ ऐसी थी जो कि बाद में पिलग्रिमेज का जो है वो सेंटर बन गई। पिलग्रिमेज मतलब बोलते ना कि पिलग्रिमेज का हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा बहुत ही बड़ा जहाँ पे लोग दूर दूर से जो है वो यात्रा करके जिसमें आते हैं, ठीक है। जैसे वैष्णो देवी की पिलग्रिमेज है, वैष्णो देवी में कितनी बड़ी यात्रा होती है, चार धाम यात्रा, ये सारे पिलग्रिमेज है, ठीक है। वैसे जो है ये सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज बने थे, ठीक है। सो ये जो भी पॉइंट जो भी पोइट सेंट्स थे ये क्या करते थे, ये अपना मतलब अपने जो भी रिचुअल्स हैं मंदिर के, फिर अपने सेंट की जो मतलब जो भी उनकी जिनको वो पूजा करते हैं उनकी इमेज को वो गा के सुनाया करते थे, ठीक है। और मंदिरों में जाके ये लोग ये चीज़ गाया भी करते थे, ठीक है। एटीट्यूड टुवर्ड कास्ट, ठीक है। देखो हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि जो अलवर्स और नायनर्स थे वो कि वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, ठीक है। मतलब उनको कास्ट सिस्टम पसंद नहीं था और उनका ये मानना था कि ये ब्राह्मण का जो डोमिनेंस है कि ब्राह्मण ने सबसे ज़्यादा जो है वो डोमिनेंस कर दिया, वो इसके भी खिलाफ थे, ठीक है। सो एटलीस्ट उन्होंने अटेम्प्ट भी करा था कि वो इस सिस्टम को रिफॉर्म कर सके, ठीक है। सो काफ़ी एक्सटेंट तक जो भक्ता थे वो जो भक्त लोग थे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से थे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से थे, फिर चाहे वो ब्राह्मण्स हो चाहे जो अनटचेबल्स हो वो हों, ठीक है। अनटचेबल्स भी जो है यहाँ पर आते थे, ठीक है। सो सारे जो है इसमें मिलजुल के रहा करते थे, ठीक है। सो इसमें कुछ कास्ट सिस्टम वगैरह का ध्यान मतलब कास्ट सिस्टम वगैरह नहीं माना जाता था, ठीक है। सो जो एक इम्पोर्टेंस है अलवर्स और नायनर्स का वो समटाइम्स ऐसे दिखाया जाता है कि जितने इम्पोर्टेंट अलवर और मतलब जितने इम्पोर्टेंट वेदास है, नायनर और अलवर के जो कंपोजिशन है जो ट्रेडिशन है वो भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो जो बहुत ही एक मेजर एंथोलॉजी है जो कि अलवर्स ने कंपोज की थी, उसमें द नलायरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, नलायरा दिव्य प्रबंधम। सो उसमें वो फ्रिक्वेंटली तमिल वेद, वो बेसिकली उसको ना तमिल वेद बोल दिया गया कि भले ही वो तमिल में लिखा गया हो बट उसमें उन चार वेदों का एक चेरिस्ट वर्जन है, मतलब उस चार वेदों का बोल सकते हैं कि एक कंसाइज वर्जन है, ठीक है। चारों वेदों की चीज़ उसमें दी गई है, ठीक है। सो अब आते हैं वुमेन डिवोटीज के ऊपर, ठीक है। सो देखो एक इन ट्रेडिशन का एक जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिकिंग फीचर है वो ये है कि वुमेन्स की भी हमें यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल बहुत ही फेमस एक नेम है हमारे पास अंदल, जो कि एक वुमेन अलवर थी, जो कि बहुत ही मतलब उनके जो भी गाने थे जो भी वो चीज़ वो लिखती थी वो कि बहुत ही ज़्यादा गाए जाते थे, इवन आज तक गाए जाते हैं, ठीक है। सो अंदल ने खुद को विष्णु की एक मतलब वो ऐसे देखती थी खुद को कि वो उनका जन्म ही विष्णु के लिए हुआ है, वो ऐसा दिखती थी कि वो धरती में कदम ही इसलिए रखा है ताकि वो विष्णु जी की भक्ति कर सके, ठीक है। सो जो भी वो वर्सेस लिखती थी, ठीक है, सो उसमें वो प्यार दिखता था, वो फीलिंग्स दिखती थी उनकी जो वो अपने भगवान जी के लिए अपने प्रभु के लिए रखती थी, ठीक है। वैसे एक और वुमेन थी करिएकल अमेयर, ठीक है, जो कि शिवा की बहुत बड़ी डिवोटी थी, ठीक है। सो उनका ये मानना था कि अगर हमें मुक्ति चाहिए, हमें हर दुख से मुक्ति चाहिए, हमें अपने गोल्स को पाना है तो हमारे पास इकलौता जो रास्ता है वो है शिव जी, अगर हमें शिव जी को मानेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो उनकी कंपोजिशन भी थे वो भी नारायण जो भी नया ट्रेडिशन है उन्होंने संभाल के रखे थे, ठीक है। सो जो वुमेन है वो उन्होंने इस सोशल एब्लिगेशन को रिनाउंस किया अपने सोशल एब्लिगेशन को, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि वो नन बन गई या मतलब उन्होंने अल्टरनेटिव ऑर्डर ही ज्वाइन कर लिया, वो अपना एग्जिस्टेंस दिखाती थी और जो भी पैट्रिकल नॉर्म्स है उनके अगेंस्ट भी जाती थी, ठीक है। सो उनका एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और वो दिखता भी था,
ठीक है। सो रिलेशन विद द स्टेट्स, सो अब ये जो भी सेंट्स थे, जो पोइट सेंट्स थे, इनका क्या रिलेशन था स्टेट्स के साथ, यानी कि राजाओं के साथ, ठीक है, वो अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो चैप्टर टू में हमने देखा कि काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट चीफडम्स है तमिल रीजन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया करते थे इन लोगों की, राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीफडम्स थे। जैसे सेकेंड हाफ में ये जो मिलेनियम था, यानी कि ये जो 1000 साल का टाइम था, इसके सेकेंड हाफ में हमें ऐसे एविडेंस देखने को मिलते हैं कि जो पल्लवास, पांड्यास, ऐसे जो राजा हैं, जो बड़े बड़े राजा हैं, वो भी मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने लग गए थे। ठीक है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में, मतलब डिफरेंट रीजन में पूरे सेंचुरीज तक जो है वो काफ़ी प्रिविलेटिंग रहा, ठीक है, प्रिविलेंट रोल उसका रहा था। ठीक है, सो उसमें जो बुद्धिज़्म और जो जैनिज़्म है, वहाँ पे उनको मर्चेंट्स और आर्टिसंस का ही सपोर्ट मिला था। ठीक है, उस कम्युनिटी का सपोर्ट उन्हें मिला हुआ था। ठीक है, सो ये जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे इनको, बट इनको जो है इनको बहुत ही मतलब जो है रॉयल पैट्रनेज मिली हुई थी। ठीक है, इंटरेस्टिंगली ये जो मेजर थीम इनकी हुआ करती थी वो तमिल भक्ति में हुआ करती थी। ठीक है, इनके जो भी हाइम्स हुआ करते थे, जो भी चीज़ें हुआ करती थी, वो तमिल में हुआ करती थी। ठीक है, और पोइट्स जो है ये अपोजिशन भी करते थे भक्त बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। ठीक है, ये पर्टिकुलरली ऐसे मार्क किया गया है, स्पेशली जो नयनर्स थे, नयनर्स की कंपोजिशन में हमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिली थी। ठीक है, सो हिस्टोरियंस देखते हैं, फिर वो सजेस्ट भी करते हैं कि कितना कॉम्पिटिशन है। ठीक है, एक मतलब रॉयल पैटर्नेज के लिए जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है ना, वो एक दूसरे के बीच में कंपटीशन करने लग गए हैं कि जो चोला रूलर है वो हमारे साइड ज़्यादा आ जाए, मतलब जो नयनर्स है और जो जो नयनर्स हुआ करते थे, और ठीक है, जो दूसरी कम्युनिटी हुआ करती थी, सो ये लोग बेसिकली अपना इन्होंने बीच में कंपटीशन करना शुरू कर दिया था कि जो रॉयल पैटर्नेज है उनको उनको मिले। ठीक है, सो जो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चोला रूलर्स थे, उन्होंने ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन को बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने लैंड भी ग्रांट करी ताकि वो विष्णु और शिवा के वहाँ पे मंदिर मंदिर टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए जा सके। ठीक है, इनफैक्ट कुछ ऐसे मतलब इतने जो सबसे ज़्यादा मैग्निफिसेंट जो शिवजी के टेम्पल्स बनाए गए थे, जो कि चिदम्बरम, थंजावुर और गंगई कोंदाचलपुरम में है। ठीक है, सो ये भी चोला रूलर्स के पैट्रोनेज के अंडर ही बनाए गए थे। तीन ये बहुत ही ज़्यादा विशाल मंदिर है शिव जी के। ठीक है, सो ये किसके अंडर बनाए गए थे, ये चोला रूलर्स के अंडर ही बनाए गए थे। ठीक है, सो ये पीरियड था जब शिवा को ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में काफ़ी ज़्यादा बनाने लग गए थे। ठीक है, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स में जो है शिव जी को दिखाया जाने लग गया था। ठीक है, सो क्लियरली जो नए नर्स है उन्होंने मतलब आर्टिस्ट को भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करा था। सो जो नए नर और अलवस थे वो मतलब बाद में डिवाइडेड हो गए थे वेलला पीजेंट्स पे। सरप्राइजिंगली जो रूलर्स थे, ठीक है, वो भी उनका सपोर्ट मतलब उनको मिल गया था। ये सरप्राइजिंग नहीं था उन लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स जब ये चीज़ें फैलती है तो रूलर्स भी जो है वो अपना सपोर्ट उनको देते हैं। ठीक है, सो जो जो चोला किंग है, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इस जो भी डिवाइन सपोर्ट है उसको क्लेम करने की उन्होंने अटेम्प्ट करा था, ताकि वो अपना और ज़्यादा पावर एक्सपेंड कर सके, ताकि वो बिल्डिंग बनाएंगे और वो बहुत सारी जब टेम्पल्स बनाएंगे तो उनका स्टेटस भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सो ये किंग्स थे, इन्होंने बहुत सारे तमिल में हाइम्स भी कंप्यूज करे मतलब बनाए, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाए, जहाँ पे वो जो कि टेम्पल्स में बोले जाती थी रॉयल पैट्रोनेज के अंडर। ठीक है, सो फिर ये जो इनिशिएटिव्स थे ये लोग लेते थे, फिर ये टैक्स भी कलेक्ट करते थे जिसको तेवाराम बोला जाता था। ठीक है, काफ़ी ऐसे इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हमें मिलते हैं लगभग 945, जहाँ पे वो बताते हैं कि जैसे चूला रूलर प्रतंका वन वो एक मेटल इमेज देते हैं अपर की, ठीक है, समंदर और सुरंदर समंदर और सुंदरन शिवा टेम्पल। ठीक है, सो अब आता था हमारा थर्ड टॉपिक, द वीरा शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका। सो देखो 12th सेंचुरी में जब कर्नाटका में एक मतलब हमें कर्नाटका में एक नया मोमेंट का अराइज देखने को मिलता है, जो कि ब्राह्मण्स ने लिया था, एक ब्राह्मण जिनका नाम था बसावना। ठीक है, जो कि कालूचरी रूलर है उनके कोर्ट के एक मिनिस्टर थे, उनके फॉलोअर्स थे, वो थे वीरा शिवास। ठीक है, हीरोज ऑफ द शिवा और लिंगायात, जो कि वॉरियर वीरर्स ऑफ द लिंगा। सो देखो जो लिंगायात थे वो ना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी और आज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है।
सो ये ना शिव जो शिवलिंग होता है उसकी वर्शिप किया करते थे, ठीक है। सो एक छोटी सी शिवलिंग को ये वो एक सिल्वर के केस में लगा देते थे, ठीक है, एक सिल्वर का केस बना देते थे, उसमें उस छोटे से लिंगा को रख के उसमें मतलब एक एक लूप बनाकर उसको ना अपने कंधे में जो वो बांध मतलब बांध के रखते थे, ठीक है। सो इसमें इनको बाद में कुछ ऐसे थे इनमें से जो कि वॉन्डरिंग करते थे, जो कि औरे परे घूमते थे, उनको जंगामा बोला जाता था, ठीक है। सो लिंग्यात्स को ये लिंग्यात्स का ये मानना था कि जब किसी बॉडी की डेथ हो जाती है तो वो पर्सन जो है वो शिवा के साथ यूनाइट हो जाता है, ठीक है। अगर किसी डिवोटी की स्पेसिफिकली अगर कोई जो उनका डिवोटी है जो लिंग्यात है, जब लिंग्यात की डेथ हो जाती है तो वो डायरेक्टली जो है वो शिवाजी से मतलब शिव जी से मिल जाता है और वो फिर से इस दुनिया में जन्म नहीं लेता है, ठीक है। सो जैसे हम लोग करते हैं हिंदुइज्म में बॉडी को जलाया जाता है, जैसे धर्म शास्त्र में लिखा गया है कि बॉडी को मतलब उसकी फ्यूनरी करनी चाहिए, उनको जला देना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं करते थे, ये उनको बरी कर देते थे, उनको गाड़ देते थे, ठीक है। सो जो लिंगायत से इनको ये भी कास्ट सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा चैलेंज करते थे और इनका ये मानना बिल्कुल भी नहीं था। वो ये बोलते थे कि ब्राह्मण्स नहीं, ये जो भी ग्रुप्स बनाए हैं जो कि ये पोल्यूशन वगैरह के इन्होंने सिस्टम बनाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो बोलते थे कि हमारे अकॉर्डिंग सारे इक्वल हैं, ठीक है। सो स्पेशली जो ये पोल्यूशन का सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा इनको बकवास लगता था। और इन्होंने रीबर्थ की थ्योरी पे भी क्वेश्चन किया था कि रीबर्थ होता है कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में भी इन्होंने क्वेश्चन किया था, ठीक है। जो लिंगायत थे इन्होंने धर्मशास्त्र में दिए गए काफ़ी प्रैक्टिसेस को डिसअप्रूव करा, ठीक है, जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और वो रीमैरिज ऑफ द विडो, ठीक है। साथ में जो इनका ट्रेडिशन था, ठीक है, देखो जो अगर हमें वीरशैव समझना वीरशैव ट्रेडिशन को समझना है तो ये वचनों से ड्राइव हुआ है, ठीक है, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में कंपोज किया जाता था बाय वुमेन एंड मैन जो कि इस मूवमेंट को ज्वाइन करते थे, ठीक है। अब आता है रिलीजियस फॉर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। सो नॉर्थ इंडिया में कैसे रिलीजन फैला, ठीक है, साउथ में तो हमने पढ़ लिया इतने सारे रीजन थे, बट नॉर्थ में भी क्या उसी अमाउंट में जो है इतना रिलीजियस फॉर्मेंट हमें देखने को मिला, इतने सारे चेंजेस देखने को मिले, क्या चीज़ें जो चीज़ें साउथ में थी क्या वही सेम चीज़ें नॉर्थ में थी कि नहीं थी, वो सारी चीज़ें अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेम पीरियड में नॉर्थ इंडिया में भी विष्णु जी और शिवाजी को बहुत ही ज़्यादा वर्शिप किया जा रहा था और उनके बहुत ही विशाल काय मंदिर भी बनने लग गए थे, ठीक है। सो और ये जो मंदिर थे ये कौन बनाता था, ये रूलर्स ही बनाया करते थे, ठीक है, जो भी इनको मतलब सपोर्ट किया करते थे, जो भी रूलर्स विष्णु और शिव जी को फॉलो किया करते थे वो बड़े बड़े मंदिर बनवा दिया करते थे, ठीक है। जो हिस्टोरियंस थे उन्हें मतलब इतना कुछ खास एविडेंट तो मिला नहीं है कि 14th सेंचुरी तक कि वहाँ पर भी अलवर्स और नयनर्स थे कि नहीं थे, ठीक है, बट कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो कि पॉइंट आउट करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में इसी सेम पीरियड में जो है वो राजपूत का जो राज है वो एमर्ज हो गया था, कि मतलब सेम टाइम पे जो राजपूत जो है उन्होंने राज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ज़्यादातर स्टेट्स में जो ब्राह्मण्स है उन्होंने जो है मतलब बिकॉज ऑफ राजपूत राज चल रहा था उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे उन लोगों को मतलब ऑक्यूपाई कर दिया गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जब वो इतनी बड़ी पोजीशन में आ गए और उनकी इंपॉर्टेंस सब पहले से इतनी ज़्यादा थी तो किसी ने उनकी पोजीशन पर डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया था, ठीक है। सो वो बताते थे बहुत सारे सेक्युलर रेंज बताते थे और जो भी रिचुअल फंक्शन है वो भी वो बताया करते थे, ठीक है। सो किसी ने भी उनको मतलब ऐसे डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया था, ठीक है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे और रिलीजियस लीडर्स थे जो कि इस ऑर्थोडॉक्स को फॉलो नहीं करते थे, जो कि इन ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क ने जो ऑर्थोडॉक्स दिया था वो इसको फॉलो नहीं करते थे, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करते थे, ठीक है। सो इसमें नाथ जोगी और सिद्धार्थ ये लोग थे जो कि इस फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं किया करते थे, ठीक है। इनमें से जो ज़्यादातर लोग थे वो आर्टिसनल ग्रुप से हुआ करते थे, जिसमें वीवर्स हो गए, ठीक है। कि और जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते जा रहे थे दिन प्रतिदिन, बिकॉज अब क्राफ्ट का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, ठीक है। अब नए प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ रही थी, अर्बन सेंटर्स बन रहे थे और जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में, ठीक है। सब जब और रिलीजियस लीडर्स आए तब उन्होंने वेदास की अथॉरिटी पर क्वेश्चन करना शुरू करा, ठीक है।
और उन्होंने जो लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे उसी में खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करा, ताकि नॉर्मल लोग भी चीज़ें समझ पाए और इन चीज़ों के बारे में सोच पाए कि हाँ, जो चीज़ें ये बोल रहे हैं वो सही हैं कि गलत हैं। ठीक है, हाउएवर जो मतलब इतनी सारी पॉपुलैरिटी उनको मिल गई थी, फिर भी जो रिलीजियस लीडर्स थे वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो रूलिंग एलाइट्स का सपोर्ट जीत सके। ठीक है, अभी तक इतनी पोजीशन उनकी नहीं हुई थी। ठीक है, अब नए एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं सिचुएशन में, जब टर्क्स आते हैं। ठीक है, और वो दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है, मतलब दिल्ली सल्तनत उस टाइम पे एस्टेब्लिश हो रहा होता है, तो वो उसको क्लिमिनेट करने आ जाते हैं 13th सेंचुरी में। ठीक है, उस टाइम पे जो राजपूत स्टेट्स की पावर है उनको अंडरमाइन किया गया। ठीक है, जो ब्राह्मण्स थे वो अब किंग से डायरेक्टली एसोसिएट हो गए। ठीक है, काफ़ी ऐसे मतलब जो मार्केट चेंजेस थे वो हमें देखने को मिले, चाहे वो कल्चर हो या रिलीजन हो, बट काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पे जो है सूफीज भी जो है थोड़े थोड़े आने लग गए थे, और डेवलपमेंट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट हमें देखने को मिला सूफीज की वजह से भी। ठीक है, अब न्यू स्ट्रेंड इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। ठीक है, अब इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे रीजन थे सब कॉन्टिनेंट में, सारे जो है वो आइसोलेटेड नहीं थे, कुछ थे कुछ नहीं थे। ठीक है, अब जो लैंड्स है वो सीज माउंटेन के थ्रू जो है वो आपस में कांटेक्ट तो हो रहा था, ट्रेड भी हो ही रहा था। ठीक है, उस टाइम पे जो अरब मर्चेंट्स है फॉर इंस्टेंस वो आए। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले जो है वो वेस्टर्न कोस्ट में वो लोग आ गए थे। ठीक है, फर्स्ट मिलेनियम में, फिर सेंट्रल एशिया में आए, फिर वो नॉर्थ मतलब काफ़ी लोग जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी सब कॉन्टिनेंट के शिफ्ट हो गए थे सेम पीरियड के अंडर अंडर। ठीक है, 17th सेंचुरी में इस्लाम का एक एडवेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो रीजन है ये मतलब इस्लामिक वर्ल्ड का एक बहुत ही मतलब देखो ये जो पूरा रीजन था जहाँ पे इस्लाम आगे बस गया था, इसको इस्लामिक वर्ल्ड बोला जाता था। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था, इस्लामिक वर्ल्ड। फेथ रूल्स एंड सब्जेक्ट्स, देखो जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, इन रिलीजन रूलिंग एलाइट्स के बीच में 1711 में एक अरब जनरल थे जिनका नाम था मोहम्मद कसीम, वो सिंध उन्होंने कॉन्क्योर कर लिया। ठीक है, उसके बाद वो कैलिफ डोमेन का एक पार्ट बन गया। बाद में जो टर्क्स आए और जो अफगान आए उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश कर दिया। बाद में इसी के बाद फिर सल्तनत आती है डेक्कन में, और सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इस्लाम जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब इस्लाम जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्नॉलेज रिलीजन बन गया था। ठीक है, रूलर्स का काफ़ी काफ़ी जगहों पे, काफ़ी ऐसी जगहें थी जहाँ के रूलर भी इस्लामिक थे। ठीक है, इसी की वजह से जब मुगल एम्पायर आया 16th सेंचुरी में, तब भी जो ज़्यादातर लोग हैं वो कौन थे, वो मतलब मुसलमान ही थे, इस्लाम को ही फॉलो किया करते थे। ठीक है, ज़्यादातर जो रीजनल स्टेट है 18th सेंचुरी में वो मुगल एम्पायर ही कंट्रोल कर रही थी। थ्योरेटिकली जो मुस्लिम्स है उनको उलमा जो है वो उनको गाइड किया करते हैं। ठीक है, जो कि और मतलब शरिया है, शरिया में जो भी रूल्स लिखे गए हैं उनको वही फॉलो करने पड़ते थे। ठीक है, फिर ये जो सिचुएशन है ये सब कॉन्टिनेंट में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम को समझ नहीं पा रही थी, वो इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं करना चाह रही थी। ठीक है, इस्लाम को फॉलो नहीं करना चाह रही थी। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक कैटेगरी आती है जिम्मी, मतलब प्रोटेक्टिव, किसी को प्रोटेक्ट करके रखना। बिकॉज ये जो जहाँ पे भी ये मुस्लिम रूलरशिप था वहाँ पे ये तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह मुस्लिम ही रहते थे, वहाँ पे ज्यूज थे, वहाँ पे क्रिश्चियंस थे। ठीक है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन दिलाने के लिए जो मुस्लिम्स है वो जिम्मी किया करते थे। ठीक है, फिर वो उनसे एक टैक्स लिया करते थे जिसका नाम था जिजिया। ठीक है, और वो इसलिए लिया करते थे ताकि वो ताकि बिकॉज वो मुस्लिम जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर सके, तो एक उसकी में एक फीस के तौर पे वो लेते थे। ठीक है, जो कुछ ऐसे रूलर्स आए मुगल एम्परर के जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा सिर्फ मुस्लिम्स का ही नहीं, जबकि ऑल जो बाकी के लोग थे उनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे काफ़ी रूलर्स आए, ठीक है, जिन्होंने अपनी लैंड दी और टैक्स एक्सेम्पशंस भी उनको ग्रांट करे, किनको, हिंदू, जैना, फिर जोरोस्ट्रियन, क्रिश्चियन और ज्यूस। ठीक है, मतलब ये जो रूलर्स है ये मुस्लिम धर्म के साथ साथ बाकी जो नॉन मुस्लिम रिलीजन्स है उनको भी रिस्पेक्ट और डिवोशन दिखाते थे। ठीक है, वैसे ही काफ़ी ग्रांट्स हमें मुगल रूलर अकबर और औरंगजेब की भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, देखो
जो मुस्लिम्स में एक पांच ऐसे एक्सेप्टेंस है जो उनको करनी पड़ती है, अगर हमें इस्लाम ज्वाइन करना है, अगर हमें इस्लाम को अडॉप्ट करना है, तो हमें कुछ चीज़ें, एक 5 पिलर का एक प्रिंसिपल है वो हमें एक्सेप्ट करना होता है। सबसे पहले ये कि एक ही गॉड है, ठीक है, वो है अल्लाह, ठीक है। सेकेंड ये, टू प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, ठीक है, शहादा। फिर वो दिन में 5 बार जो है वो प्रेयर्स करेंगे, उसके बाद वो आम्स देंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी रमज़ान का टाइम आएगा तब वो फास्टिंग करेंगे, और जब हज होता है, जब मक्का का जो पिलग्रिमेज जाता है उसमें हमेशा वो परफॉर्म करेंगे, मतलब उसमें साथ देंगे, ठीक है, उसमें हिस्सा लेंगे वो लोग, ठीक है। सो ऐसे यूनिवर्सल फीचर्स जो है हमें देखने को मिल रहे थे, ठीक है। मतलब अगर हमें मुस्लिम ज्वाइन करना है तो ये जो रूल्स है ये हर जगह चलेंगे, ठीक है। सो ये व्हाट वर दीज वॉज यूनिवर्सल, ठीक है। सो कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं कि ऐसी यूनिवर्सल चीज़ें हमें और भी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस में काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो खोजास थे, खोजा बेसिकली इस्माइल इसका एक ब्रांच हुआ करता है, ठीक है। उसमें मतलब कम्युनिकेशन के नए नए तरीके भी आने लग गए थे। अब जो भी कुरान है, ठीक है, उसको डिसमिसिंग किया जा रहा था, डिसमिनेटिंग किया जा रहा था, उसके आइडियाज़ को डिराइव किया जा रहा था, ठीक है। और जो भी इंडिजिनियस लिटरेरी है उसमें लोगों को बताया जा रहा था कि मतलब जो कि पर्टिकुलर जगह की लिटरेरी है, ताकि उन लोगों को भी इजीली चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। फिर काफ़ी ऐसे डिवोशनल पोइम्स थी पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची, हिंदी और गुजराती में भी, जो कि जो मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस में वो बना दी गई थी, ताकि जो है और ज़्यादा मुस्लिम इसको मतलब इस्लाम को बढ़ाया जा सके, ठीक है। ऐसे जब अरब मुस्लिम ट्रेडर्स जो कि मालाबार कोस्ट में शिफ्ट हो जाते हैं केरला में, वो लोकल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करते हैं मलयालम का, ठीक है, और वो लोकल कस्टम्स को जैसे कि मर्टिलिनी उनको भी मतलब अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। सो जब हमें इतना कॉम्प्लेक्स ब्लेंड देखने को मिलता है यूनिवर्सल फेथ का लोकल ट्रेडिशन में, सो उस टाइम पे फिर हमें एक और चीज़ वहाँ पे नोटिस होती है कि जो मॉस्क हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे। मतलब मॉस्क का एक आर्किटेक्चर क्या है, वो भी जगह टू जगह कहीं कहीं वेरी करता था, कुछ चीज़ें अलग होती थी, कुछ चीज़ें हर जगह सेम हुआ करती थी। सो यहाँ पे एक मॉस्क की फ़ोटो है हमारे पास, केरला का एक मॉस्क है 13th सेंचुरी का, ठीक है। सो मॉस्क की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि यूनिवर्सल थी, जैसे कि मेका कैसा होगा, फिर मेहरब कैसा होगा, मिनबर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें फिक्स थी, ठीक है। फिर बट जो रूफ्स है और जो बिल्डिंग मटेरियल है वो रीजन टू रीजन वेरी करता था, ठीक है। नेम्स ऑफ कम्युनिटीज़, देखो टर्म हिंदू या टर्म मुस्लिम ये कभी भी ऐसे यूज़ नहीं किया गया किसी भी रिटन टेक्स्ट में या किसी भी चीज़ में, किसी भी कम्युनिटी में, मतलब ऐसे हिंदू और मुस्लिम वर्ड यूज़ नहीं किया गया। हिस्टोरियंस ने ये देखा कि उन्होंने जितने भी संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस पढ़े 18th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में, वहाँ पे टर्म मुसलमान या टर्म मुस्लिम का कहीं भी यूज़ नहीं किया गया था। इंस्टेड ऑफ दैट लोगों को अगर हमें डिफाइन करना था तो हम उस जगह से डिफाइन, मतलब ऐसे डिफाइन करते थे कि वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं। जैसे तुर्श का बोला जाता था उन लोगों का जो कि तर्किश से आते थे, ठीक है। फिर तजिका वो लोग थे जो कि तजाकिस्तान से आते थे, पराशिका वो लोग जो कि पर्शिया से आते थे, ठीक है। सो ये सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली, मतलब पर्टिकुलरली किसी पर्सन किसी धर्म के बेस पे लोगों को नहीं डिवाइड किया गया था, या फिर लोगों को नहीं बोला गया था, लोगों को किस बेसिस पे बोला जाता था कि वो कौन सी जगह को बिलोंग करते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जो टर्क्स है और जो अफगान हैं उनको शाकास बोला जाता था और उनको यवनास बोला जाता था, ठीक है। सो ऐसे ऐसी टर्म्स यूज़ की जाती थी, मतलब कास्ट उनकी मतलब बेसिकली जो वो धर्म फॉलो करते हैं उसके बेसिस पे नहीं बोला जाता था। फिर जो लोग जो कि उनकी लैंग्वेज नहीं बोलते थे या डिफरेंट कास्ट सोसाइटी से बिलोंग करते थे और वो लैंग्वेज बोलते थे जो कि संस्कृत से डिराइव नहीं की गई है, उनको मेलच्छा बोला जाता था, और इसका बेसिकली मतलब होता था आउटसाइडर, ठीक है, जो कि मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा हम लोगों से अलग है, उनके लिए ये मेलच्छा वर्ड यूज़ करते थे, ठीक है। काफ़ी ऐसे मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी जो कि हिंदूज को अपोजिशन में, हिंदू की अपोजिशन में बात करती थी, ठीक है। जो टर्म हिंदू है ये भी वेराइटीज़ ऑफ तरीक़ों में यूज़ किया जाता था, इसका भी मतलब एक रिलीजियस कोनोशन में जो है इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया था, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ सूफिज़म, सूफिज़म कैसे फैलता है, देखो अर्ली सेंचुरीज़ में
जो इस्लाम है वो बहुत ही रिलीजियस माइंडेड लोगों के बीच में था। ठीक है, देखो जो सूफी ऐसे लोग हुआ करते थे जिनका जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड थे, और जो कि मतलब तपस्या में या मिस्टिसिज्म में ही खोए रहते थे। ठीक है, और उनका ये मानना था कि ये जो भी मटेरियलिज्म है ये सब कुछ मतलब इसके खिलाफ वो लोग हुआ करते थे। ठीक है, सो वो अपना मतलब उनका ये मानना था कि रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में इतना जो मटेरियलिज्म फैल रहा है ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, सो उन्होंने एक मतलब वो डॉगमेटिक डेफिनेशंस के बिल्कुल ही मतलब उनको पसंद नहीं आती थी वो चीज़ें। ठीक है, सो कुरान और सुन्ना को वो अडॉप्ट किया करते थे बाय थियोलॉजिस्ट। ठीक है, सो अब उनका यह मानना था कि हमें अगर हमें सल्वेशन चाहिए यानी कि हमें मुक्ति चाहिए तो हमें भगवान को जो गॉड है उनको लव मतलब इंटेंस डिवोशन और इंटेंस लव देना पड़ेगा भगवान को बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स। ठीक है, सो उनके जो ऐसे एक एग्जांपल थे प्रॉफिट मोहम्मद के। ठीक है, जो कि एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग उनको रिगार्ड किया जाता है बिकॉज वो मतलब जो जैसी जैसी चीज़ें कुरान बोलती थी उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस वैसा ही बना दिया था। ठीक है, अब आते हैं खानकाज और सिलसिलाज। सो 11th सेंचुरी सूफिज़म में वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है मूवमेंट डेवलपमेंट होने लग गई थी। ठीक है, लिटरेचर हो या कुरानिक स्टडी हो या सूफी प्रैक्टिसेस हो, तीनों ही बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रही थी। इंस्टीट्यूशनली जो सूफी थे उन्होंने कम्युनिटीज़ बनानी शुरू कर दी। ठीक है, कहाँ पर? अराउंड द हॉस्पाइज और द खानकाज। ठीक है, जो कि एक मास्टर्स जो एक मास्टर उनको कंट्रोल किया करता था, और उस मास्टर का नाम उस मास्टर को बोलते थे शेख, पीर या फिर मर्शिद। ठीक है, सो इनके जो डिसिपल्स होते थे मुरीद यानी कि जो भी इन लोगों को फॉलो किया करते थे। ठीक है, तो अब फिर वो लोग जो है उनके सक्सेसर भी अपॉइंट कर देते थे खलीफा। ठीक है, सो उनके जो भी रूल्स और स्पिरिचुअल कंडक्ट थे वो खुद ही एस्टेब्लिश किया करते थे। ठीक है, उनका एक इंटीग्रेशन एक इंट्रैक्शन होता था बिटवीन द इमेज मतलब चाहे वो इनमेट्स हो। ठीक है, या फिर जो ले पर्सन हो या मास्टर हो, सभी के बीच में उनका जो है एक अच्छा इंट्रैक्शन रहता था। ठीक है, जो सूफी सिलसिला थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिस्टलाइज थी इस्लामिक वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अराउंड द 12th सेंचुरी। ठीक है, सो वर्ड सिलसिला का मतलब होता था चेन। सो इसमें क्या हुआ करता था कि जो एक मास्टर है, ठीक है, जो एक शेख था, तो वो अपनी डेथ से पहले एक पर्सन बता के जाता था कि अगर मेरे डेथ हो रही है तो अगला जो शेख है वो पर्सन कौन होगा, अगला जो मास्टर है वो पर्सन कौन होगा। ठीक है, सो इसी में एक अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनोलॉजी शुरू हो गई थी। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू। तो वहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल पावर है और जो भी उनकी ब्लेसिंग्स है वो अपने डिवोटीज़ को अपने जो भी उनका सक्सेसर है उसको मतलब ब्लेसिंग के थ्रू दे के जाते थे। ठीक है, फिर और वो बता देते थे। ठीक है, और जब नेक्स्ट पर्सन आके उनकी जगह पे बैठता था तो उनको भी एक ऑथ लेनी पड़ती थी ऑफ एलाइजेंस। ठीक है, फिर उनको पैच गारमेंट पहनने पड़ते थे और अपना सर मुंडवाना पड़ता था। ठीक है, जब शेख की डेथ हो जाती थी तो एक टॉम्ब बनाया जाता था जिसको दरगाह भी बोला जाता है। ठीक है, सो वो एक सेंटर ऑफ डिवोशन बन जाता है सारे फॉलोअर्स के लिए, और उनके लिए एक पिलग्रिमेज भी बन जाता है। पिलग्रिमेज क्या होता है अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, सो और उसको जियारत भी बोला जाता था। ठीक है, पर्टिकुलरली जब भी उनके डेथ एनिवर्सरी होती थी, जब भी उर्स होते थे, सो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता था, और ऐसा बोला जाता था कि अब उनकी जब भी उनकी एनिवर्सरी आएगी तब उनकी जो सोल है वो गॉड से यूनियन मतलब उनसे एक हो जाएगी। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज कि लोगों को ये लगता था कि जो डेथ सेंट है वो भगवान से जाके जुड़ जाते हैं, और जैसे जैसे टाइम होता जाता है वो उनसे और ज़्यादा क्लोजर होते जाते हैं। ठीक है, सो दस द कल्ट अबाउट द कल्ट ऑफ शेख रिवर्ड ऑफ वैली। ठीक है, आउटसाइड द खानका, अब इन खानका के बाहर क्या होता था, काफ़ी ऐसे मैंने स्कॉर्न द खानकाज एंड टुक द मेडेंचुरी एंड ऑब्जर्व सेलिबेसी। ठीक है, काफ़ी ऐसे लोग थे जैसे कलंदर, मदारी, मलंगीस, हैदरीस, इनको अलग रखा जाता था, इनको बहुत ही मतलब ये बिकॉज ये इन सारे रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया जा करते थे तो इनको अलग कर दिया जाता था। ठीक है, और इनको बिकॉज ये शरिया को नहीं फॉलो करते थे तो इनको बेशरिया भी बीच बीच इनको बेशरिया भी बोला जाता था। ठीक है, द चिश्तीस इन द सब कॉन्टिनेंट। देखो ये जो ग्रुप है सूफीज का ये माइग्रेट करता था। ठीक है, इंडिया से उन्होंने माइग्रेट करना शुरू करा लेट
मतलब जब लेट 12th सेंचुरी थी तब ये लोग इंडिया में आए। ठीक है, ये जो चिश्ती थी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, इनसे काफ़ी जल्दी लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये जो लोकल इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी इजीली अडॉप्ट हो जाते थे। ठीक है, और ये काफ़ी ऐसे फीचर्स लेकर आए थे जिसमें इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन का और ज़्यादा हम बोल सकते डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चिश्ती खानकाह में लाइफ कैसे होती थी। जो खानकाह था वो सोशल लाइफ का जो एक सेंटर हुआ करता था। हमने शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पिस के बारे में तो पढ़ा ही है, राइट, जो कि दिल्ली वाली दरगाह है। ठीक है, कहाँ पर? गाज़ियापुर में, जो कि दिल्ली के पास है। ठीक है, कैसा होता है वहाँ पर? वहाँ पर ना स्मॉल्स रूम होते हैं। ठीक है, एक छोटे छोटे वहाँ पर रूम होते हैं और एक बड़ा सा हॉल होता है। ठीक है, जहाँ पे इनमेट्स और जो विजिटर्स है वो आके रहते हैं और प्रे करते हैं। ठीक है, जो इनमेट्स है, इनमेट्स में कौन कौन होते हैं? इनमेट्स में होते हैं फैमिली, शेख की फैमिली के मेंबर्स, ठीक है, उनके अटेंडेंट्स, उनके डिसिपल्स। ठीक है, जो शेख है वो खुद एक छोटे से घर, एक छोटे से रूम में रहा करता था। ठीक है, ऑन द रूफ ऑफ द हॉल वेयर ही मेट विजिटर्स, जहाँ पे वो विजिटर्स से मिलता था हर मॉर्निंग और हर इवनिंग में। ठीक है, जो वहाँ पे एक वरांदा भी था जो कि कॉर्टयार्ड से अच्छे तरीके से सराउंडेड था, और बाउंड्री बनाई गई थी वॉल की वहाँ पे बाउंड्री बनाई गई थी। ठीक है, एक टाइम पे ऐसा था जब ऐसा लग रहा था कि मंगोल का इन्वेशन हो रहा है और सभी डर रहे थे, तो उस टाइम पे सारे लोग, ठीक है, यहाँ पे खानकाह में कोई भी लोग आ जाते थे। कोई पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं है कि एक कास्ट की या एक एक मतलब धर्म के होने चाहिए, ये सभी को जो है आश्वासन देते थे। धर्मशाला की तरह ये बेसिकली हुआ करता था। ठीक है, वहाँ पर एक ओपन किचन होता था। ठीक है, फिर वहाँ पे मतलब मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक लोग आते ही जाते रहते थे, चाहे वो चोलदर हो, स्लेव्स हो, सिंगर, मर्चेंट पॉइंट ट्रेवलर, रिच पुअर, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू जोगीस हो या कलंदर्स हो। ठीक है, चाहे वो डिसिप्लिनशिप की में के लिए आए हो या हीलिंग के लिए आए हो। ठीक है, या फिर वो शेख से मिलने के लिए आए हो कुछ वेरियस मैटर से, सभी को वहाँ पे रहने के लिए जगह दी जाती थी। ठीक है, कुछ और भी ऐसे विजिटर्स थे जैसे कि अमीर हसन सिजदी और अमीर खुसरो, ठीक है, एंड द कोर्ट हिस्टोरियंस ऑफ जियाउद्दीन बिरानी। ठीक है, जो जिन्होंने भी शेख के बारे में काफ़ी लिखा, उन्होंने बताया कि जो प्रैक्टिसेस ये लोग अडॉप्ट करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक्टिविटी है और यूनिवर्सल एक्टिविटी है। जैसे जब भी कोई विजिटर आता है उसको पानी देना, अपने सर को मतलब शेव करके रखना, ठीक है, योगिक एक्सरसाइज करना, और ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंटेटिव अटेम्प्ट करना, ठीक है, और लोकल ट्रेडिशन को बचा के रखना। ठीक है, तो जो सिख निज़ामुद्दीन थे उन्होंने काफ़ी ऐसे स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को अपॉइंट करा और मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हॉस्पाइस सेटअप करने के लिए भेज दिया। ठीक है, एज अ रिजल्ट उनकी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस और जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, चिश्तीस की, वो उसके वजह से सिख की फेम जो है वो भी बढ़ गई और साथ साथ में चिश्ती का फॉलोइंग भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, इसी के अंडर काफ़ी सारी श्राइन्स बनी। ठीक है, और इन श्राइन्स के जो है वो एक स्पिरिचुअल एंसेस्टर हुआ करते थे। ठीक है, अब आता है चिश्ती डिवोशनलिज्म, ज़ियारत एंड कवाली। ठीक है, देखो ऐसे पिलग्रिमेज थे जिनको ज़ियारत बोला जाता था। ठीक है, ये सूफी की जो सूफी सेंट्स से उनकी टॉम से लेके मुस्लिम वर्ल्ड, मतलब जो भी मुस्लिम वर्ल्ड था उसके ऑल ओवर ट्रेवल किया करते थे। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस किया करते थे सूफी के स्पिरिचुअल ग्रेस को की तलाश में, इसको बोला जाता था बरकत। ठीक है, इनका बेसिकली मेन मोटिव ये था कि किसी भी सूफी से मिल ले ताकि उन पे उनका ग्रेस आए, ठीक है, ताकि बरकत हो घर पे। ठीक है, ऐसे 7th सेंचुरी तक लोग मतलब वेरियस क्रीड, क्लासेस और सोशल बैकग्राउंड्स के ऐसे अपने डिवोशंस लेके दरगाह में आए। ठीक है, और जो 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स थे उनके पास वो जाके उन्होंने अपना डिवोशन एक्सप्रेस करा। उनमें से जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज़्यादा फेमस थे, उनका नाम था ख्वाजा मुइनुद्दीन, जिनको गरीब नवाज़ भी बोला जाता था। उनको गरीब नवाज़ इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो बहुत पुअर पुअर लोगों की भी हेल्प किया करते थे। ठीक है, ऐसे जो अर्लीस्ट टेक्चुअल रेफरेंस है ख्वाजा मेनोनेदिन के दरगाह में, ठीक है, जो कि 14th सेंचुरी के आसपास वो लोग बनी थी। ठीक है, यहाँ पे वो बताते हैं कि शेख की कैसी हालत है, ठीक है, और उनकी जो स्पिरिचुअल सक्सेसर है उनकी क्या ग्रेटनेस, उनकी कैसी ग्रेटनेस है, रॉयल विजिटर के जो पैट्रोनेज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो दिखाते हैं। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो कि इस श्राइन में विजिट करने वाले पहले सुल्तान बने थे। ठीक है, उन्होंने पहले
पहले तो घर का पहले तो टॉम का कंस्ट्रक्शन अपने घर पे ही करवाया था, बट बाद में लेट 15th सेंचुरी में सुल्तान गियाजुद्दीन खिलजी, मलबा के जो सुल्तान गियाजुद्दीन खिलजी, उन्होंने इस टॉम को और भी ज़्यादा बड़ा बनवा दिया था। ठीक है, सिंस जो श्राइन थी वो अब दिल्ली और गुजरात का जो ट्रेड लिंक है उसके बीच में वो लोकेट किया करती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, सो 6th सेंचुरी आते आते जो श्राइन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। ठीक है, सो अब लोगों को अब काफ़ी सारे पिलग्रिमेज आते थे, गाना गाते गाते आते थे, मतलब अपनी चीज़ें बताते बताते आते थे। ठीक है, अजमेर से जहाँ पे अकबर भी जब वो अजमेर तक पहुँचे तब अकबर को भी लगा कि हाँ हमें भी इस टॉम को विज़िट करना चाहिए, और वो 14 टाइम उन्होंने इसको विज़िट करा। ठीक है, मतलब वो साल में 2 से 3 बार जो है वो कभी कभी उनको विज़िट किया करते थे। ठीक है, और वो जब भी जाते थे, मतलब जब भी उनको कोई नई वॉर लड़ने जाती थी तब वो उसके लिए ब्लेसिंग लेके, उनकी जब भी मन्नत पूरी हो जाती थी या जब भी उनके बेटे के जन्म होता था किसी भी बेटे का, तो वो जाकर तो वो उस श्राइन में जाया करते थे। ठीक है, वो इतनी बार गए और वो हर बारी बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स और बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल 1568 में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी डेग वो लेकर आए थे, ठीक है, पिलग्रिमेज के लिए, जो कि आज भी उस दरगाह में है। ठीक है, उस दरगाह में मतलब वो खाना बनाने के काम आती है। ठीक है, इतनी बड़ी डेग उन्होंने गिफ्ट करी थी। ठीक है, अब आता है, ठीक है, सो यहाँ पे सो देखो जियारत का भी एक पार्ट था, जियारत का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था म्यूज़िक एंड डांस, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल चैंट्स को परफॉर्म किया जाता था स्पेशल ट्रेंड म्यूजिशंस के बारे में, जिनको कवल्स भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि कवाली करते थे। ठीक है, ये जो सूफीज थे ये भगवान का नाम याद करते थे, जिक्र करते थे। ठीक है, उनके प्रेजेंस को इन्वोक करते थे थ्रू समा। ठीक है, जो इनका परफॉर्मेंस और जो मिस्टिकल म्यूजिक हुआ करता था इनसे वो मतलब समाज को और ज़्यादा दिखाया करते थे कि हाँ जो गॉड है उनके प्रेजेंस यहाँ उनकी प्रेजेंस यहाँ पर है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला टॉपिक लैंग्वेजेज एंड कम्युनिकेशन। देखो सिर्फ समा ही नहीं है, जो चिश्तीज है उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस को भी अडॉप्ट करा था। ठीक है, काफ़ी ऐसे चिश्ती सिलसिला थे जिनको हिंदवानी में कन्वर्ट किया गया, काफ़ी मतलब जो कि लोगों की उस टाइम पे लैंग्वेजेस हुआ करती थी। और ऐसे सूफीज थे जैसे बाबा फरीद, उन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में वर्सेस को कंपोज करा। ठीक है, जो कि बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में इनकॉर्पोरेट किए गए। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक और लॉन्ग पोएम थी। ठीक है, जिनको मनस्वीज बोला जाता था, जिसमें ह्यूमन लव को मतलब डिवाइन लव को उन्होंने समझाने की कोशिश की थी ह्यूमन लव के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रेम आख्यान था, लव स्टोरी थी किसकी, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत उसका नाम था, जो कि मलिक मोहम्मद ज़ियासी ने बनाई थी, जिसमें वो पद्मिनी और जो रतन सेन है उनका रोमांस को वो दिखाते हैं। ठीक है, जो कि चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे। ठीक है, ये ट्रायल्स में बताते हैं कि कैसे सोल एक जर्नी करती है डिवाइन तक की। ठीक है, उनका ये पोइटिक कंपोजिशन था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो कि समा के ड्यूरिंग यू दिखाया जाता था। ठीक है, फिर काफ़ी सूफी पोइट्री के डिफरेंट डिफरेंट जोन थे जो कि कंपोज हमें करते हुए दिखे, कहाँ पे, बीजापुर कर्नाटका में। काफ़ी शॉर्ट पोइम्स थी दखानी की, काफ़ी और एट्रीब्यूट्स थे चिश्ती सूफीज के। ठीक है, ड्यूरिंग 17th और 18th सेंचुरी ये जो पोइम्स थी ये बेसिकली वुमेंस भी गाती थी, अपना घर का काम करते करते, अपना कुछ काम करते करते वो ये लोग गाती रहती थी। बाद में इन्हीं सेम चीज़ को लोरी की तरह भी यूज़ किया गया, वेडिंग सॉन्ग्स की तरह भी यूज़ किया गया था। ठीक है, लूरीनामा जिसको लुलाबीस यानी कि लोरी, और शादीनामा यानी कि वेडिंग सॉन्ग्स। ठीक है, ये जो सूफीज हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब जो भक्ति ट्रेडिशन का जो प्री एग्जिस्टिंग रीजन है उसको और ज़्यादा एम्पायर और ज़्यादा इंस्पायर करा था, जैसे कन्नडा के वंचस हो गए जहाँ पे लिंगयात्स ऑलरेडी थे, फिर जो मराठी अबंग्स भी थे, और पर्धरपुर के सेंट्स भी वहाँ पर ऑलरेडी थे। ठीक है, इसी मीडियम से जो इस्लाम है वो ग्रेजुअली बढ़ता चला गया, और डेक्कन की जगह में भी जहाँ पर डेक्कन है वहाँ के गांव में भी हमें इस्लाम ग्रो होता हुआ दिखा। ठीक है, सूफीज इन द स्टेट्स। देखो जो एक मेजर फीचर था चिश्ती ट्रेडिशन का वो था ऑस्टेरिटी। ठीक है, जिसमें ये जो भी वर्ल्डली पावर है जो कि वर्ल्ड जो कि मतलब मोह माया है उनसे दूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट होता है कि उनको पॉलिटिकल पावर से एक एब्सोल्यूट आइसोलेशन मिले, बट
पर देखो जो सूफीज थे वो कि वो एक मतलब अनसोलिसिटेड ग्रांट्स और डोनेशन को एक्सेप्ट करते थे पॉलिटिकल एलाइट से, ठीक है। तो जो सुल्तान थे वो बदले में उनको चैरिटेबल ट्रस्ट दिया करते थे, ठीक है, ताकि और उनको एक टैक्स फ्री लैंड उनको ग्रांट कर दी जाती थी, ठीक है, एज अ इनाम, ठीक है। जो चिश्तीस है वो इनको इन डोनेशन को एक्सेप्ट करते थे, चाहे वो कैश हो चाहे वो काइंड में हो, ठीक है। सो ऐसे अक्यूमुलेट डोनेशन के अलावा वो मतलब जो कि उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जैसे फूड, क्लोथ, लिविंग क्वार्टर्स, रिचुअल नेसेसिटीज़, इन सारी चीज़ों का वो ज़्यादा डिमांड किया करते थे। वो प्रेफर करते थे कि पैसे वगैरह से अच्छा है कि आप ये सारी चीज़ें हमें दो, जो जिस चीज़ की हमें नीड है, ठीक है। विच इन टर्न वो मतलब लोगों की तरीके जीने की तरीकों से को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिर लोगों की स्कॉलरशिप, लोगों की पिटी, लोगों की बिलीफ को भी मतलब जो सूफीज है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है। उसके बाद तभी जो है जाके इनको किंग का सपोर्ट भी जो है वो सिक्योर हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे सुल्तान्स थे जिन्होंने सूफी को काफ़ी सॉर्ट आउट किया, ठीक है। उन्होंने मतलब वो बताते हैं कि उनकी जो अथॉरिटी है वो डायरेक्टली गॉड से है, ठीक है। सो वो किसी ज्यूरिट्स या फिर शरिया पे क्यों डिपेंडेंट होने की उनको ज़रूरत मतलब डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला था। बेसाइसिट्स ये भी माना जाता है कि जो औलिया है, ठीक है, वहाँ पे गॉड को यूज़ किया जाता है ताकि वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके खुद को, अपने स्पिरिचुअल कंडीशन को, ठीक है, जैसे एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग होता है उससे अच्छा सिचुएशन वो बना सके, ठीक है। सो इसीलिए ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों किंग बड़ी बड़ी टॉम्ब्स बनाया करते थे, ठीक है, सूफी श्राइन्स बनाया करते थे और हॉस्पिसेस बनाया करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे भी कुछ कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले थे सुल्तान और सूफीज के बीच में, जहाँ पे दोनों ही बहुत ही मतलब जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो सर्टेन रिचुअल्स थे जो ये लोग परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग ऑन द फीट, ये सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही थी, तो इसकी वजह से भी जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें जा रही थी, तो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए थे। फॉर एग्जाम्पल जो डिसिपल्स थे निज़ामुद्दीन औलिया के, वो एड्रेस करते थे एज सुल्तान उल मशेक, ठीक है। अब न्यू डिवोशनल पाथ्स डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। सो नॉर्दर्न इंडिया में कैसे चीज़ें बदली, कैसे जो पॉइंट सेंट्स है वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डायलॉग्स सभी में हमें देखने को मिले, क्या क्या सोशल सिचुएशन और आइडियाज़ थी वो हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे हम तीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हैं कबीर, ठीक है। सो जैसे हमें पता, हम कबीर को इतना सुन चुके हैं तो हमें पता है वो एक बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग पॉइंट सेंट थे। उनका जो जो भी चीज़ें वो बनाते थे, जो भी चीज़ें वो बोलते थे, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हुआ करती थी, ठीक है। जो हिस्टोरियंस है उन्होंने बहुत ही हार्ड ट्राई करा था कि वो बता सके, वो अपने लाइफ को उनकी जो लाइफ है उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सके, ठीक है। जो भी उनकी इतनी सारी हाइग्योग्राफीज थी उनको उन्होंने मतलब कंपाइल करने की कोशिश करी ताकि वो अच्छे से बता सके कि उनका पास्ट क्या रह चुका है, ठीक है। जो वर्सेस है अस्क्राइब टू कबीर, उसमें वो बताते हैं कि मतलब तीन हमारे पास ऐसे मेन सोर्सेज है जहाँ पे हम कबीर की पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं, कबीर जी के बारे में पता कर सकते हैं। वो है कबीर बिजाक, ठीक है, प्रिजर्व बाय कबीर पंथ वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आती है कबीर ग्रंथवाली, जहाँ जिसमें दोपंत और राजस्थान, राजस्थान में दोपंत है उससे वो काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है। फिर आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इनको कंपाइल करके कबीर जी की डेथ के बाद, ठीक है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये कबीर जी की डेथ के काफ़ी टाइम के बाद बनाई गई थी, ठीक है। इसीलिए जो है इन चीज़ों को बाद में कंपाइल किया गया और उनकी डेथ के बाद हमें जो है चीज़ें उनके बारे में ज़्यादा पता चली थी, ठीक है। उस टाइम पे इनकी ये जो भी वर्सेस थी ये बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसी जगह में काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी, ठीक है। जो कबीर की पोइम्स है ना, उन्होंने अपनी पोइम्स काफ़ी सारी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में लिखा था, ठीक है। और वो जब चीज़ें लिखते थे तो वो निर्गुण पोइट थे, मतलब निर्गुण और निर्गुण क्या होता है, निर्गुण में जब हम एक एक अल्टीमेट पावर के बारे में पढ़ते हैं, पावर के बारे में जो है पावर की डिवोटी करते हैं, ठीक है, एक एक डिफाइंड स्टेट नहीं होता उसमें भगवान जी का, ठीक है। उनकी जो संत मतलब
उनकी जो पोइट्री थी ना वो कभी कभी उसमें उलट बंसी भी यूज़ किया करते थे, मतलब अपसाइड डाउन सिंग, मतलब वो लिखते कुछ थे और उसका मीनिंग बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब इन्वर्टेड होता था, ठीक है। सो ऐसी पोइम भी वो लिखा करते थे। उनमें से द लोटस विच ब्लूम विदाउट फ्लावर और द फायर रेजिंग ऑन द ओशन, ठीक है। सो मतलब देखो लोटस एक क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक लोटस जो कि बिना फ्लावर की ब्लूम कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि ओशन में मतलब समुद्र में आग लग रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब बहुत ही मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो कबीर जी का बताते हैं, ठीक है। सो ये मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है कबीर जी की, जिससे मतलब हमें उनकी एक अल्टीमेट, मतलब हमें ना एक अल्टीमेट रियलिटी नहीं पता है, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं इस्लाम को भी दिखाते थे। वो बताते थे कि वो कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो अल्लाह है, खुदा है, हजरत है, पीर है, ऐसे वर्ड्स भी उन्होंने यूज़ करे थे, ठीक है। कहीं वो वैदांतिक ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे, जैसे अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मान, ठीक है। और कुछ ऐसी जगह थे जहाँ पे वो बहुत ही मिस्टिकल कोनोशन यूज़ कर रहे थे, जैसे शब्द और शून्य, ठीक है। सो इसीलिए उनकी जो पोइम्स है उनको कभी कभी समझने में जो है कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ भी एक्सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। सो उनकी चीज़ों को समझने में हमें उस तरीके से सोचना पड़ता है, ठीक है। कुछ ऐसी पोइम्स है जो कि इस्लामिक आइडियाज़ पे ज़्यादा ड्रॉ की गई हैं, ठीक है, जो कि मोनोथिज्म और इकोनोलिज्म को ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं और कुछ उनकी ऐसी पोइम है जो कि हिंदू पॉलिसिज्म में डायरेक्टली अटैक करता है, जैसे कि आइडल वर्शिपिंग की मूर्ति पूजन के खिलाफ वो बिल्कुल जा रहे थे, ठीक है। फिर कुछ ऐसे उनके सूफी कॉन्सेप्ट थे जहाँ पे वो इश्क यानी लव और नम सिमरन को वो मतलब नम सिमरन को वो मतलब नाम सिमरन करना चाहिए लोगों, मतलब भगवान जी के नाम को रिमेंबर करना चाहिए, उसको वो सपोर्ट करते थे कहीं। उनके डिफरेंट डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव थे, ठीक है। जो लैंग उनकी जो चीज़ें हैं, जो उनकी वर्सेज है, वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, ठीक है। उनकी जो हैग्योग्राफी है उससे हमें ये पता चलता है कि कबीर बाय बर्थ तो उनका जो बर्थ है वो तो वैष्णव ट्रेडिशन में हुआ था, तो वो एक हिंदू थे, ठीक है। बट उनको रेज किया गया, मतलब उनको पाल पोस के बड़ा एक बहुत ही पुअर मुस्लिम फैमिली में उनको किया गया था, ठीक है, जो कि वीवर्स और जुलाहास की फैमिलीज वो हुआ करती थी, ठीक है। रिलेटिवली उनकी भी जो सारी चीज़ें वो इस्लाम के थ्रू ही चली गई थी, ठीक है। उनके ऐसा माना जाता है कि उनके उनके गुरु जो है वो रामानंदा होंगे शायद, बट उन्होंने कभी भी अपनी किसी पोइम में अपने गुरु का नाम नहीं लिखा, वो वर्ड गुरु या सतगुरु का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, हमने काफ़ी ऐसी कबीर के दोहे सुने हैं जहाँ पे वो बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। ऐसे वर्ड्स वो यूज़ करते थे, बट उन्होंने कहीं भी कभी भी अपने अपने गुरु का अपने सदगुरु का नाम नहीं लिया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि उनके जो गुरु है वो रामानंदा होंगे, बिकॉज उनके जो कंटेम्पररीज है जो भी चीज़ें वो लिखते हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेल खाते हैं आपस में, और ऐसा लगता है, ठीक है, अगर हम स्टडी करें तो, बट वी आर नॉट श्योर फॉर इट, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड पर्सन, बाबा गुरु नानक एंड द सेकर्ड वर्ड। देखो बाबा गुरु नानक एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में उनका जन्म हुआ था, एक विलेज जिसका नाम था नानका साहेब, वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, ठीक है, नियर रावी रिवर, ठीक है, जो कि प्रीडोमिनेटली मुस्लिम पंजाब बेसिकली हुआ करता था, मतलब वहाँ पे मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने पर्शियन पढ़ी, ठीक है, वो एक अकाउंटेंट थे पर्शियन लैंग्वेज के, ठीक है। फिर उनकी काफ़ी यंग एज में शादी कर दी गई थी, बट वो ज़्यादातर अपना टाइम सूफीज और जो भक्त थे उन्हीं के साथ गुजारा करते थे, और वो बहुत ही मतलब वाइडली ट्रैवल किया करते थे, ठीक है। गुरु नानक जी का जो मैसेज है वो हाइम्स और टीचिंग्स के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेल आउट किया गया, ठीक है। ये बेसिकली उनका ये भी निर्गुण भक्ति को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे जस्ट लाइक कबीर। और ऐसा भी माना जाता है कि ये बाबा गुरु नानक और कबीर जी जो है वो आपस में मिल चुके थे, और काफ़ी सारी जो है इन्होंने इनकी इन्होंने अपने थॉट्स को एक्सचेंज भी करा हुआ था, ठीक है। जो बाबा गुरु नानक थे वो सेक्रीफाइसेस को रिजेक्ट करते थे, जो भी रिचुअल बात है और जो इमेज वर्शिपिंग है ये इसके बिल्कुल ज़्यादा खिलाफ थे, ठीक है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों स्क्रिप्चर्स को रिस्पेक्ट किया करते थे। बाबा गुरु नानक का ये मानना था कि जो जो एक मतलब अब्सोल्यूट रब है उनका कोई जेंडर नहीं है, उनकी कोई फॉर्म नहीं है, ठीक
ठीक है। और उनका ये मानना था कि उनको याद करने का, उनका डिवाइन नेम को अगर हम रिपीट करते रहेंगे, ठीक है, और उनको उन्होंने उसको पंजाबी में हम शब्द बोलते हैं, ठीक है, शब्द उनको बोलते हैं कि मतलब कॉन्स्टेंटली भगवान जी का नाम याद करके रखना, ठीक है। तो जो बाबा गुरु नानक थे, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा था एक कम्युनिटी में, ठीक है। सो वो एक उन्होंने एक रूल्स भी सेटअप करे थे, ठीक है, फॉर देयर कॉन्ग्रेशनल वर्शिप, जिसको संगत बोला जाता था, ठीक है। सो उनके जो डिसिपल्स थे अंगद, ठीक है, अंगद जो है वो उनके बाद आए, ठीक है, सो वो बताकर गए थे, ठीक है। सो उनके गुरु के बाद जो आए वो उनको अंगद बोला जाता था, ठीक है। सो उनकी जो प्रैक्टिसेज है वो लगभग 200 साल तक जो है वो फॉलो की गई, ठीक है। सो गुरु नानक जी जो है एक नया रिलीजन नहीं एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, ठीक है। सो उनकी डेथ के बाद जो भी लोग उनको फॉलो करते थे, यानी कि जो भी सिक्स हुआ करते थे, वो हिंदूज और मुस्लिम्स से खुद को अलग देखने लग गए थे, ठीक है। फिर उनके जो फिफ्थ प्रिसेप्टर थे गुरु अर्जन, ठीक है, उन्होंने बाबा गुरु नानक के जो हाइम्स थे और उनके पहले के जो भी फोर सक्सेसर रह गए थे, उन सभी के हाइम्स को उन्होंने कंपाइल करा। उसमें कुछ बाबा फरीद और रविदास की भी हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने को मिले, ठीक है। फिर कबीर भी हमें देखने को मिले आदि ग्रंथ साहिब में, ठीक है, और उसको एक एक कंपाइल करके एक हाइम बना दिया गया, जिसको गुरबानी बोला जाता है, ठीक है। और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी इनको कंपाइल किया गया। लेट 17th सेंचुरी आते आते जो 10th प्रिसेप्टर थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 9th गुरु गुरु तेग बहादुर और गुरु मतलब गुरु तेग बहादुर जी के भी जो कंपोजिशंस हैं उनको जोड़ा, ठीक है, उस स्क्रिप्चर में, और एक स्क्रिप्चर बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। सो जो गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने खालसा पंथ की फाउंडेशन उन्होंने रखी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पास 5 सिंबल होने चाहिए ये दिखाने के लिए कि तुम खालसा पंथ के मेम्बर हो, ठीक है, आर्मी ऑफ द प्योर जिसका मतलब था। सो उसमें होने चाहिए अनकट हेयर, आपके बाल नहीं करने चाहिए, आपके पास एक डैगर होना चाहिए, मतलब एक खंजर होना चाहिए, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कॉम मतलब एक कंघी आपके पास होनी चाहिए ना, स्टील बैंगल जो कि कड़ा पहनते हैं ना वो, ठीक है। सो जो अगली हमारे पास पर्सन है, डैट इज मीराबाई और डिवोटी प्रिंसेस। सो देखो, हम जितने भी हमने वुमेन पॉइंट पढ़ी, हमने बहुत ही कम वुमेन पॉइंट्स पढ़े। एक तो उनमें से जो सबसे बेस्ट थी, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है मीराबाई, है ना। मीराबाई जी की इतनी सारी बायोग्राफीज लिखी गई है, जिसमें उनके मतलब उनकी जो भजन है ना, वही उनके बायोग्राफी है। उन्होंने जो जो भजन लिखे उसमें सब कुछ है। उनके भजन बताते हैं कि कैसे वो श्री कृष्ण के प्यार में पागल थी, ठीक है। वो एक राजपूत प्रिंसेस थी मेरेटा मरवार से, ठीक है, जिनकी उनकी विश के अगेंस्ट उनकी मैरिज करवा दी गई थी सिसोदिया के प्रिंस, जो कि मेवाड़ क्लैन में आता है राजस्थान में, ठीक है। वो अपने हस्बैंड को उन्होंने हस्बैंड से उनकी शादी तो हो गई थी, पर उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ या अपनी मदर का जो रोल है वो कभी नहीं उन्होंने निभाया, ठीक है। इंस्टेड वो कृष्णा को ही सब कुछ मानने लग गई थी। कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार थे, उन्होंने खुद को उनका लवर घोषित कर दिया गया था। उनके जो इन लॉज थे, उन्होंने उनको जहर देने की भी कोशिश करी थी, बट वो कैसे ना कैसे करके पैलेस से भाग गई। और फिर देखो कहाँ की वो राजकुमारी थी, ठीक है, एक राजपूत राजकुमारी अपना सब कुछ, अपना महल सब छोड़कर, वो इतना शी वॉज लाइक शी यूज टू बी अ बिग लाइक लवर ऑफ श्री कृष्णा, कि उन्होंने अपना सब कुछ शी लेफ्ट एंड शी लाइक स्टार्ट वॉन्डरिंग ऑल ओवर, ठीक है। एंड शी स्टार्टेड कंपोजिंग सॉन्ग्स, उन्होंने गाने कंपोज करने शुरू करे, और दो सॉन्ग वो जो गाने हुआ करते थे वो उनका इमोशंस एक्सप्रेस किया करते थे, ठीक है। सो सम ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनके जो प्रिसेप्टर थे वो रईदास थे, जो कि एक लेदर वर्कर थे, ठीक है। सो वो एक लेदर वर्कर थे, फिर भी जो श्री मीराबाई थी, उन्होंने उनको अपने साथ रखा, उन्हें अपना ज्ञान दिया, ठीक है। सो उन्हें अपने हस्बैंड के पैलेस में कितना कंफर्ट था, वो खुद भी एक राजकुमारी थी, ठीक है, पर नहीं, उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। और वो वाइट रोब, जो कि विडो वाइट कपड़े पहनती है, या तो सेफ्रन रोब पहनकर औरे परे भटकती रहती थी और गाने गाती रहती थी और अपने श्री कृष्ण के वो प्यार करती रहती थी, ठीक है। मीराबाई को कोई भी फॉलोअर्स का ग्रुप कुछ नहीं अट्रैक्ट करता था, मीराबाई को जो चीज़ अट्रैक्ट करती थी वो थी श्री कृष्ण, ठीक है। सो उनके जो गाना थे वो थ्रू आउट द सेंचुरीज तक
वुमेन्स और मेन्स गाते रहे, स्पेसिफिकली लो कास्ट के जो कि गुजरात और राजस्थान के थे। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। लास्ट हमारे पास टॉपिक रह गया है रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। सो हमें पता है हमारे पास बहुत सारी रिलीजियस ट्रेडिशंस है, स्कल्पचर्स है, आर्किटेक्चर्स है, जिसके थ्रू हमें पता है कि हाँ ये चीज़ें चलती आ रही हैं। ठीक है, जब भी एक्सकवेशंस होती है तब भी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल करके आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हो सकता है कि ये वाला रिलीजन चलता आ रहा होगा उस जगह पर। ठीक है, सो जब एक्सकवेशन हुई तो काफ़ी सारी मूर्तियाँ, काफ़ी सारी स्कल्पचर जैसे बाहर निकल कर आए। फिर जो लोग हैं, जो कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब आज भी हम लोग पुराने आइडियाज़ और बिलीव्स को प्रैक्टिस करते हैं घर पे, जो कि महाभारत के टाइम पे या फिर उस टाइम पे हुए, चलते चलते आ रहे हैं पुराने समय से ही। ठीक है, तो इसके भी थ्रू हमें पता है कि हाँ हमारी हिस्ट्रीज ये है, काफ़ी स्टोरीज है हमारे पास, वेदास हैं, फिर लोगों की स्किल्स है। ठीक है, लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसकी वजह से भी हमें हर एक जोन के बारे में हर एक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बारे में चीज़ें पता है। ठीक है, सो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच।